हाफिज यतीम खाने, आराम से बस पहुंचने वाली हूँ। विक्टर बताओ फलीसी कहाँ पर है? सर मैं इस बारे में नहीं जानता। तो फिर तुम कहाँ पर देख रहे थे बेवकूफ शख्स? अब जाओ और फेलिसी को ढूंढ कर लाओ। सर मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है ये जानने में कि किस तरफ जाऊं, इस तरफ या फिर इस तरफ। जाओ! विक्टर, मेरी मदद करोगे? विक्टर ऐसे मुंह बनाना बंद करो। गुस्सा नहीं कर रहा, बस मुझे बुरा लग रहा है कि तुम इस तरह, अब क्या कहूँ, मेरे बिना ही भाग रही थी यहाँ से। भाग रही थी? मैं नहीं, मैं तो बस वहाँ से उस खूबसूरत नजारे को देख रही थी। जैसे कि तुम जानती हो कि वहाँ बाहर अकेले मेरे बिना तुम 5 मिनट भी नहीं गुजार पाओगी। देखो ऐसा मत करो, तुम अंजाम जानती हो। हम एक ही वक्त पर यहाँ आए थे और एक साथ यहाँ से जाएंगे, वादा करती हूँ। ओके। हे विक्टर, हे या। नहीं ये फिर से शुरू हो गई। मैं तुम्हें बस आखिरी बार माफ कर रही हूँ। अफसोस है इस बात का। छोड़ दो दोनों को, तुम अपने कमरे में जाओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जानती हैं बहुत अच्छी हैं। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जाओ अंदर। जा रहा हूँ। फेलिसी मैं जानती हूँ तुम डांसर बनने का ख्वाब देख रही हो, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई ख्वाब देखता है, मगर ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ख्वाब का हकीकत से कोई रिश्ता नहीं होता। ख्वाबों को दफना दो क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन समझ गई? समझ गई। ये डांस स्कूल पेरिस में है फेलिसी, नाम है ओपेरा दी पेरिस, बहुत से डांसर्स हैं वहाँ पर। और तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? मैंने कुछ सराहे हैं अपने। ओके बहुत देख ली। फिर से देख सकती हूँ? नहीं प्लीज। नहीं लेकिन अगर आज रात तुम मेरे साथ यहाँ से भागो तो मैं जुबान देता हूँ तुम्हें इस डांस स्कूल में जरूर लेकर जाऊंगा, और उसके बाद तुम बनोगी एक अजीम डांसर और मैं बनूंगा इस सदी का सबसे बड़ा मौजूद, सबसे बड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान? हाँ एक शानदार मंसूबा। ये ऐसा मंसूबा है जिसे सुनकर तुम्हें मेरी जहानत पर पूरी तरह यकीन हो जाएगा। देखने दो। यहाँ से जाने के बाद? नहीं अभी। मैंने कहा अभी। बाद में बाद में अभी। बाद में पेरिस का डांस स्कूल। ये मैं हूँ, चलो आ जाओ। ओह खुदाया, क्या ये मुर्गे बनना ही तुम्हारा बेहतरीन प्लान था? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मैं इस छोटी सी बच्ची को मदर सुपीरियर के पास ले जा रही हूँ। ठीक है सिस्टर।
इसे पता चल गया अब हमें प्लान भी पर अमल करना होगा। चलो भागो यहाँ से। इस तरफ आओ। क्या यही था तुम्हारा अजीब प्लान? तुम कितना तंज करती हो। तुम्हें तो भागना भी नहीं आता। मैं पहली बार किसी जगह से भाग रहा हूँ, फिर से नहीं। खोलो इस दरवाजे को। पिछले 3 महीनों से मैं मुर्गियों के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये कैसे खाती हैं। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ ये कैसे चलती हैं और ये भी के अंडे कैसे देती हैं। मुर्गियों के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं जानता ना हूँ। मैंने इन्हें नाम दिया है मुर्गियों के पर। मुर्गियाँ उड़ नहीं सकती। लेकिन देखो ना, इनके पर होते हैं, इन्हें उड़ना चाहिए। तुम उड़ सकती हो, सही कहा ना मैंने? जाओ उड़ के दिखाओ। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरे हाथ तो आ जाओ। गुड बाय। चलो चले। इसी तरह सफर किया करेगा। तो सब ठीक से हो गया है ना? तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ जानता हूँ। हमने वाकई कर दिखाया। हमने वाकई कर सिखाया। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। जानती हो, एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम उस यतीम खाने से भागे तो तुमने अपने साथ सिर्फ इसे ही रखा, इसलिए तुम्हें इसका टीनी टाइनी इंसी विंसी और थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हो क्या, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। और कल हम पहुंच जाएंगे पेरिस और उसे अपना बना लेंगे। गुड मॉर्निंग, सूरज निकल आया है। एव, तुमने आखिरी बार दांत कब साफ किए थे? इस वादे से शुरू करते हैं।
कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पर है। फिक्र मत करो, हम दोनों पेरिस में हैं। खामोश रहो वरना हम पकड़े जाएंगे। अब कोई और आवाज मत करना तुम। ये मैंने नहीं किया। वाओ, ये कमाल का है। तो वाकई खूबसूरत है। अच्छा तो वो डांस स्कूल कहाँ पर है? फिक्र मत करो फेलिसी, और पेरिस के मजे लो, लंबी सांस लो। हेलो, कैसे हैं आप? ओह वाओ, क्या कमाल की मुझे आपकी। ओह, हम पेरिस आ गए हैं, प्यार का शहर जहाँ हर किसी का ख्वाब पूरा होता है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है। ये शहर है लैम्प्स का, और ये शहर है कबूतरों का। क्या मैंने तुम्हें प्यार के बारे में बताया? हाँ तुमने कहा, अब बताओ डांस स्कूल कहाँ पर है? मैं नहीं जानता। फिक्र मत करो, हम एक टीम है, एक साथ जरूर ढूंढ लेंगे। तो मैं नहीं लगता हमने पेरिस आकर बेवकूफ। नहीं ऐसा मत कहो, हम अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ सकते। हम बच्चे हैं और बिल्कुल अकेले हैं। मैं कितनी बेवकूफ थी जो डांसर बनने का ख्वाब देखती थी। तुम्हें क्या लगता है विक्टर? मैंने कहा विक्टर। मैं ठीक हूँ, वापिस आओ। मुझे तैरना नहीं आता। हम दोनों कल इसी ब्रिज पे मिलेंगे, वो भी इसी वक्त। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं वापिस आऊंगा। विक्टर, वापिस आओ, मत जाओ प्लीज। जहाँ क्या करने आई थी? हाँ, तुम जहाँ चोरी करने आई थी है ना? जवाब दो मुझे, तुम्हें चोर हो। चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ डांसर को देख रही थी। झूठी, अपनी जेबें खाली करो। हाँ, छोड़ो मेरा। ओ, अच्छा लड़की को छोड़ दो, ये यहाँ चोरी करने आई थी। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी। एक बार फिर सोच लो,
अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें इस बात का तफसीलन जवाब देना होगा कि ये लड़की यहाँ अंदर कैसे आई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस जगह की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो बताओ क्या वाकई तुम ये इल्जाम लेना चाहोगे? जाओ। रुकिए, जाओ, चली जाओ यहाँ से। This movie is encoded by matter. मेरे पास चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं तो बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी मुझे बचाने के लिए। तुम्हें कह दिया, अब चली जाओ यहाँ से। सुनिए, वो डांसर कौन थी स्टेज पर? रोसिटा मॉरी, इस ओपेरा की सबसे बेहतरीन डांसर। और वो क्या था जो उसने लंबी सी छलांग लगाई थी, उसको क्या कहते हैं? क्या आप भी डांसर हैं? मैं सिर्फ सफाई करती हूँ वहाँ पे और तुम मुझे तंग कर रही हो, अब जाओ। लेकिन इस शहर में आप पहली खातून हैं जो मेरे साथ रहमदिली से पेश आई। मैं इस शहर में अपने दोस्त से बिछड़ गई हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है और मैं एक यतीम भी हूँ। अच्छी कोशिश थी, पर मुझे बच्चों से नफरत है, खास तौर पर यतीमों से। जाओ किसी और बेवकूफ को ढूंढो। कहाँ जा रही हो ऑडिट? सीढ़ियाँ बहुत गंदी हैं। कल मेरे मेहमानों ने आना है और मैं चाहती हूँ कि बिल्डिंग चमकती हुई नजर आए, ऊपर से लेके नीचे तक। जी मैं जानती हूँ मैडम। अगर जानती हो तो फिर अपने कमरे में क्यों जा रही थी? हाँ, मैं आपकी मदद करती हूँ, चली जाओ यहाँ से। आपको जरूरत है मेरी, मैं सफाई कर सकती हूँ, बल्कि मैं सफाई करने में माहिर हूँ। मैं जवान हूँ, मेरी टांगे काम करती हैं और आपकी नहीं करती। मेरी मदद करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या तुम साथ आ रही हो? वाह, इतनी सारी सीढ़ियाँ, क्या आप यहाँ की निगरान हैं? हाँ, और तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। अब मजीद सवाल नहीं करोगे। मैं कब तक रुक सकती हूँ? थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो चुड़ैल कौन थी? रिजीन लेहॉट, वो इस बिल्डिंग की मालकिन है और उसे पोनी किए हुए ये तीन बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब सफाई करो। आपको यहाँ काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है? आपका निकनेम क्या है? मेरा जानना चाहेंगी? क्या आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं? क्या मेरा अपना बेड होगा? क्या आप खराटे लेती हैं? आपका पसंदीदा फल कौन सा है? आप नाश्ते में क्या खाती हैं? मैं यतीम खाने से भाग कर आई हूँ ताकि ओपेरा की डांसर बन सकूं। सच में? आप वहाँ काम करती हैं, बहुत से लोगों को जानती होंगी, आप मेरी मदद करेंगी? इतने ख्वाब मत देखो। उस डांसर ने क्या छलांग लगाई थी, कमाल कर दिया था उसने। मुझे डांस पसंद है, क्या आपको डांस पसंद है? शायद आपकी टांग खराब है इसलिए आपको पसंद नहीं। उठ जाओ। जी मैम। ये कौन है? कोई नहीं है, मदद कर रही है बस। अगर इसे रखना है तो अपनी तनख्वाह से खिलाना। जी मैम। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री करो, वो भी अच्छी तरह। ये अभी साफ नहीं हुआ। Oh, hello.
नौकरों को नॉक करके आना चाहिए। वैसे तुम हो कौन? मैं फिलिसी हूँ, ऑडिट के साथ यहाँ पर आई हूँ सफाई करने के लिए। ओके, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ, बाय। रुक जाओ छोटी चूहिया, तुम मेरी जासूसी कर रही हो, सही कहा ना? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम कर रही थी, तुम उस अच्छी डांसर की तारीफ कर रही होगी जिसे तुमने अभी अभी देखा है, ऐसा ही है ना छोटी चूहिया? सच कहूँ तो तुम उतनी अच्छी डांसर नहीं जो मैंने कल देखी थी, वो तो बस यहीं पे रुक जाओ लड़की। क्या तुम एक बैले डांसर हो? मैं बन जाऊंगी, मैं और मेरी माँ ओपरा से आने वाले खत का इंतजार कर रही हैं। मुझ में बहुत ज्यादा काबिलियत है, और डायरेक्टर मेरी मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और उसे चांपे बहुत पसंद है, तो अगले साल आज ही के दिन तक मैं एक मशहूर बैलेरीना बन जाऊंगी। बैलेरीना? मैं भी बनना चाहती हूँ। हकीकत को तस्लीम करो छोटी चूहिया, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं एक सितारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। तुम्हारी जेब में क्या है? क्या तुमने मेरे कमरे से कुछ चुराया है? नहीं। दिखाओ मुझे, ये क्या चीज है? ये मेरा है, बहुत कीमती है। बहुत नायाब है, पकड़ो इसे। नहीं, ओपरा से मैडम रीजीन ली हॉट और उनकी बेटी कैमिल के लिए खत आया है। ये कागज हाथ से बनाया गया है और इस पर नीली स्याही से। ओह, कितनी बुरी बात है, बच्चों को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई गई। हॉट नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं तो नहीं हो, इस बार मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। प्लीज, लेकिन क्यों? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका कहना है ये कमेल ली हॉट है। क्या तुम कमेल ली हॉट हो? जी। यही है कमीली हॉट। जाओ जाकर अपना काम करो दोस्त। ठीक है, जैसा आप कहें। खुशामदीद मिस ली हॉट, बहुत खूबसूरत हैं आप। शुक्रिया। इस नाचीज को कहते हैं अगस्त, और मैं हूँ इस ओपरा का मालिक। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी माँ पेरिस की सबसे लजीज चांपे बनाती है। ओ, उम्मीद करता हूँ कि तुम उतना अच्छा डांस भी करोगी। बिल्कुल। कहीं तुम एक डांसर तो नहीं हो? बिल्कुल हूँ। लगता तो नहीं है, चलो अब अपनी क्लास में जाओ। ओके। ओह, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बैले डांस टीचर, सबसे माहिर कोरियोग्राफर इस दुनिया का नहीं बल्कि इस कायनात का। ये बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही सादा है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मजबूत है, बिल्कुल असली मर्द की तरह। तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे अगस्त? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने तुम्हारी क्लास में एक नई लड़की कैमिल को भेजा। थैंक यू। मैं फिलिसी हूँ। फिलिसी? नो 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 नो, गलती हो गई मुझसे। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि
मैं बहुत बिजी होती हूँ इसलिए कोई दोस्त नहीं बनाई यहाँ। वैसे मेरा नाम कैमिल है। ओके, मेरा नाम नोरा है और सब लोग मुझे कहते हैं नोरा। ये नाम मेरे चेहरे के मुताबिक है। hey, तुम्हें वार्म अप करना चाहिए, तैयार हो जाओ। ओह वाओ, क्या बात है तुम्हारी, लगता है तुम यहाँ पर नई आई हो डार्लिंग। तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि ये कौन है? तुम जरूर मजाक कर रही हो, है ना? ये लुई मेरांड है, पहले टीचर और दुनिया के मशहूर कोरियोग्राफर। इन्होंने 40 सिंगल सोलो में सबसे ज्यादा डांस किया है। क्या कहा तुमने? घूमना ये बहुत ही मुश्किल होता है। कुल मिलाकर 187 बार, और उसके फौरन बाद ही उन्होंने उल्टी कर दी। खामोश हो जाओ खवातीन। पहली पोजीशन, दूसरी क्या, तीसरी, चौथी और बाकी सब पांचवी में। ओके। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए जमा किया गया है ताकि आप नट क्रैकर में क्लारा के किरदार के लिए ऑडिशन दे सकें, जो क्रिसमस की शाम को रोजिटा मौरी के साथ डांस करें। रोजिटा, रोजिटा मौरी? मुझे तो यकीन नहीं। तो यहाँ इस कमरे में मौजूद हर लड़की के पास चांस है कि वो इसका हिस्सा बने, मां सिवाय तुम्हारे। तुम सब ने मेहनत की है सिवाय तुम्हारे। तुम सब यहाँ अपने टैलेंट और हिम्मत के सर पर हो सिवाय मेरे। हाँ ऐसा ही है। कल से हमारे ऑडिशंस का आगाज होगा। तुम में से रोजाना एक लड़की बाहर होगी। तो कल अमीर लड़की, चाहे तुमने जिस भी तरीके से यहाँ मौका पाया, इस मुकाबले में आखिरी दिन होगा। लेकिन मेरी माँ इस शहर में सबसे बेहतरीन चांपे बनाती है। लेकिन मैं गोश्त बिल्कुल नहीं खाता हूँ। ओके, पहली पोजीशन, दूसरी, दूसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी, काफी मसरूफ लग रही है, चौथी, पांचवी, कैसी हो तुम? छठी, नहीं छठी तो पोजीशन। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह विक्टर, हेलो। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं तुम्हें बताने के लिए। मेरे पास भी। वाह, इस दफा तो ये बहुत बुरी तरह से टूट गया है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? अरे फिक्र मत करो, ये तो आसान सा काम है। जो शर्त हम दोनों ने लगाई थी, मैं वो शर्त जीत गया हूँ। कौन सी शर्त? वही शर्त जिसमें हमने कहा था देखते हैं कौन अपने ख्वाब पहले पूरे करता है। तो मैं एक मौजूद बनने वाला हूँ। वाकई? तुम थोड़ा चैलेंज महसूस करो कि ये जानकर कि मुझे 24 घंटों में उस शख्स के पास काम मिला है जो बना रहा है ये। मुझे लगता है कल गिरने से तुम्हारे सर पर चोट आ गई है। नहीं, कल दोपहर को फेलिसी, जब मैं तुमसे जुदा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना पेरिस की गलियों का चक्कर लगा लिया जाए। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा ना ही घबराया। वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे रास्ता समझाया उन्होंने। उसके बाद मैं कैफे में गया, वहाँ के लोगों ने मेरा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जैसे मैं कोई मशहूर शख्सियत हूँ। उन्होंने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे मैं उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, सन हूँ। मुझे एक बहुत ही समझदार दोस्त मिला वहाँ पर जिसका नाम मैटी है। हमने बातें की, हंसी मजाक किया, एक साथ डांस किया। फिर उसके बाद मैंने और मेरे सबसे करीबी दोस्त जो नया नया बना था फैसला किया कि अब हम उसके घर चलते हैं। तुम कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि वो किस शख्स के पास काम करता है। गुस्ताफ एफएल, वो सबसे काबिल, जहीन और मशहूर मौजूद है। उस जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है इस वक्त। मैं इस दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर के पास काम करके मशहूर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे मुर्गी के परों वाला तजर्बे का तो पता ही है, अब मैं उसको ठीक तरीके से करने वाला हूँ। थोड़ी सी फिलोसफी की कमी थी उसके अंदर, लेकिन अब मुझे समझ लग गई है कि उसमें क्या करना है। वाओ, मैंने भी काफी कुछ किया है। सच में मैं एक डांसर बन गई हूँ। हाँ नहीं, अभी तो मैं ओपरा डांस स्कूल में सीख रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं पेरिस की मशहूर डांसर के साथ डांस करने वाली हूँ स्टेज पर। जरा एक मिनट, तुम ओपरा में डांस सीख रही हो? ओके, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ओपरा तक कैसे पहुँची? अरे दरवाजे से मुझे वहाँ पर कुछ लाइट्स नजर आई। ड्यूटी? ओके, केमिलियॉट की वजह से, वही जिसने मेरा म्यूजिक बॉक्स तोड़ा है। झूठ! वो माफी मांगना चाहती थी इसलिए उसने मुझे बोलने तो दो। उसने मुझे अपना में डांस सीखने का नोटिस दे दिया। झूठी! तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारा नाक लाल हो जाता है। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, मैंने उसकी शनाख्त चुरा ली। क्या तुमने चोरी की? तुम पागल तो नहीं हो गई? विक्टर, विक्टर, वापस आओ, मुझे छोड़कर मत।
मत जाओ। You're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. You'll be somebody. You'll be somebody. और आखिर में हम करेंगे स्प्लिट्स। आप खड़ी हो जाओ। क्लास खत्म हो गई है और आज रात हमें छोड़ के जो जा रहा है वो तुम हो। तुम में फुर्ती तो एक गोली की जैसी है, लेकिन तुम में सुस्ती है एक हाथी की तरह। अपना सामान पैक करो। खड़ी हो जाएं प्लीज मोहतरमा। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी खड़ी हो जाओ। मैं फंस गई हूँ। इस लड़की को निकालो यहाँ से। आपने यही कहा था ना कि एक दिन एक लड़की निकलेगी। तो ठीक है फिर, अगले ऑडिशन के होने तक तुम यहाँ हो, उसके बाद बाय बाय। मेरा उनको नफरत है मुझसे। अरे ऐसा मत कहो, बस वैसे ही कहते हैं। नहीं, ये ठीक कह रही है, उसे नफरत है तुमसे। उसका बस चले तो वो अपनी छड़ी के साथ तुम्हारी टांगे तोड़ दे। ओह, मेरे पास कोई मौका नहीं है। हमेशा एक मौका होता है। हमेशा नहीं होता, शायद ये वही वक्त है जब कोई मौका नहीं बचा होता। मैं वाकई यहाँ रहना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, खूब तैयारी करो, सुनो और प्रैक्टिस करो अगर यहाँ रहना चाहती हो। ये कौन है? रूजी, लड़कों की बड़ी क्लास में से। इसने ओपरा अवार्ड में बेस्ट चीक बोन्स का अवार्ड लिया है। मुझे पसंद है ये, इसके बाल सुनहरी है और चमकदार भी। तुम यहाँ पर नहीं आई हो, सही कहा ना? इसका नाम है कैमेल। इसकी तो आंखें भी है। तुम में बहुत जोश है कमेल, लेकिन तुम्हारा डांस बेकार है। ये खुद को समझता क्या है? दोबारा मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा सेनोरिटा। सिर्फ तुम्हारे ख्वाब में। फेलिसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वजाहत करती हूँ। तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। रुकिए, रुकिए। दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप जो भी सजा देना चाहती हैं मुझे मंजूर है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और तुमने झूठ बोला। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। समझ सकती हूँ, मैंने सब खराब कर दिया, लेकिन आप नहीं समझ रही। मैंने हमेशा से एक डांसर बनने का ख्वाब देखा है, और जब मैंने रोजीटा मौरी को देखा, उसने जो कमाल की छलांग लगाई, मैं जानती थी मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि मेरा ख्वाब जरूर सच होगा। जानती हूँ ये समझना मुश्किल है, आपको डांस से सख्त नफरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ।
क्या कोई खत आया? नहीं, कोई खत नहीं आया। अगर कोई खत आए तो फौरन भेज देना। क्या तुम डांस कर सकती हो? जी, मेरा ख्याल है कि मैं कर सकती हूँ। कल सुबह 5 बजे से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। क्या आप टीचर हैं? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? सुबह 5 बजे? ट्रेनिंग का वक्त हो गया, छलांग लगाओ और बेल बजाओ। क्यों? जितना कहा उतना। क्या आप नहीं चाहते कि मैं डांस करूं? मुंह बंद करो और छलांग लगाकर ये बेल बजाओ। फिर से। आपने कहा था आप मुझे ट्रेन करेंगी। यही है ट्रेनिंग, अब बजाओ। चले सी, तुम्हारी छलांग में बिल्कुल भी नफासत नहीं थी, तुम्हें रिदम के बारे में बिल्कुल नहीं पता और तुम्हारा बैलेंस भी बिल्कुल खराब है। बस भी कीजिए, आप एक ही छलांग से ये अंदाजा कैसे लगा सकती हैं? लगा सकती हैं। और दूसरी तरफ तुम में बहुत जोश भरा हुआ है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि तुम हाथी की तरह बहुत ज्यादा सुस्त हो। विराट ने भी बिल्कुल यही कहा था मुझे। 10 साल से सफाई कर रही हूँ, शायद वहीं सुना होगा। ओके, अब तुम जंप करो, इस बेल को बजाओ और जमीन पर तुम्हारे पांव लगने से पानी भी ना उछले। ये नामुमकिन है। मुझे लगा डांसर बनना तुम्हारा ख्वाब है। ओके। मैं कर सकती हूँ। चले जाओ, चले जाओ। ये महज बुरा नहीं था, ये बहुत ही घटिया, दकियानूसी, भयानक था और उसके साथ बुरा भी था। टाटा। तुम मुझे ऊपर पहली मुलाकात में मैं काफी बुरी तरह पेश आया था, मुझे अफसोस है। चलो अपना तारुफ करवाता हूँ, मैं इस डांस स्कूल का सबसे बेहतरीन डांसर हूँ और मेरा नाम है रुडोल्फ दिमित्री। तुम्हारा नाम काफी मुश्किल है वैसे। फिक्र मत करना, हर किसी को अपना नाम बनाने में वक्त लगता है, लेकिन तुम और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हमें किसी किस्म के कानून की कोई परवाह नहीं। और अब तक तुम ये कितनी लड़कियों को बोल चुके हो? ऐसी बात नहीं है, तुम पहले हो जिससे ये कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें कहा। क्या तुम ठीक हो कैमिल? हाँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ एक लड़का है रुडोल्फ, और
मुझे अब पता चला वो रूस का शहजादा है। उसके पास महल है, मोर है, बहुत प्यारा है वो। वो मुझे ओपरा की छत पर ले गया और मुझे देख रहा था बिल्कुल ऐसे, और फिर इस तरह, और आखिर में बिल्कुल इस तरह। रुको एक मिनट, कोई लड़का, मतलब किस किस्म का लड़का? और ये मोर, आज के दौर में मोर कौन देखता है? और उसका नाम कितना अजीब है, रूडोल्फ। वो दोस्त है और वो कहते हैं मैं जो चाहूँ बन सकती हूँ। ऐसा तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसकी बात में दम है। क्या कहा, दम है? अच्छा मजाक है, मेरे पास भी कुछ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। ये दरवाजा है। हाँ, ये वही दरवाजा है जो मुझे ले गया था इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर के पास, मेरे बॉस के पास। अगर किसी को इस दरवाजे के पीछे का राज पता चल जाए तो उसे मार दिया जाता है। लगता है अब तुम्हें मुझे मारना होगा। ओलाला, ये क्या है? इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और बहुत जल्द ये चला जाएगा अमेरिका। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज है, इसलिए तुमने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ओके। तो ये रहा मेरा ऑफिस, ये ऑफिस है इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर का। चलो मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं मुर्गियों के परों पर तजुर्बा कर रहा हूँ, वो भी तीसरी बार। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आजकल मैं और मेरे बॉस काम कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी और जरूरी इजाद पर। वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ही समझदार हो। क्या तुम्हें ये सब इस्तेमाल करना आता है? अभी नहीं, लेकिन मेरे पास अपनी एक कुर्सी है। कैसे है विक्टर? ये यहाँ पे सफाई करता है। बॉस ने इसे पैगाम यहाँ वहाँ भेजने के लिए रखा हुआ है। सारी पेंसिल्स को शार्प कर दो, और बॉस कह रहे थे कि कल के लिए उनके शूज को भी पॉलिश कर दो। तो तुम्हारे बॉस हर नए काम में तुमसे मशवरा लेते हैं? दरअसल समझदार कहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, वो बहुत ही अजीम है, और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है ना। हे विक्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आप हकीकत बन सकते हैं। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये पांच पोजीशंस डांस में बहुत ज्यादा अहम होती हैं। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। छलांग लगाओ, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब पॉज करो, स्माइल करो। जब आप थकने लगते हैं तभी सीखना शुरू करते हैं। आप एक डांसर थी, मैंने सही कहा ना? अब मजीद कोई सवाल नहीं, उठ जाओ। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने पाँव की उंगलियों पर खड़ा होना होगा। अपना बैलेंस बनाओ। तुम्हारी उंगलियाँ रुई की तरह बिल्कुल नर्म होनी चाहिए, और साथ ही पत्थर की तरह सख्त भी। पहली पोजीशन। आ, 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 आ। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। क्या? इस तरह साफ करने की कोशिश करो। आप पहले एक डांसर थी, है ना? हाँ, जाहिर से बात है, मैं एक डांसर ही थी, अब मत पूछना। अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश करना, और ये भी कि तुम्हें चक्कर ना आए। एक जगह देखती रहो और वहाँ से अपनी नजर बिल्कुल मत हटाना। ओके, अब मेरी तरफ आओ और पानी को गिराना मत। ये लीजिए, बहुत खूब। दाएं पांव को बाएं पांव का बाकी पर, शायद ये दोनों एक साथ चल। तुम्हारा मुस्तकबिल काफी रोशन होगा अगर मोमबत्तियां बेचो। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, और बाकी सब पांचवी। शुक्रिया हसीना। तुमने आज बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। अब मैं वो कमाल की छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम शायद जल्दी ही सब कुछ सीखना चाहती हो।
हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मगर तैयार होने में और मुकम्मल तैयार होने में बहुत फर्क होता है, इसीलिए तो हम रोज ट्रेनिंग करते हैं। इतने दिनों से यही तो कर रहे हैं। तुम उस दिन तैयार होगी जब ये जवाब दे सकोगी कि तुम डांस क्यों करती हो। मैंने जवाब दिया था इसका, ये मेरा ख्वाब है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस छलांग का नाम है ले ग्रैंड जेटे और तुम तैयार नहीं। क्या तुम डांस कर रही थी या फिर लड़ाई कर रही थी? तुम बहुत ही मजाहिया हो। ये विक्टर है, हम यतीम खाने से एक साथ ही निकले थे। हेलो, मुझे आपके कपड़े बहुत ही खूबसूरत लगे। लगता है आज रात तुम कहीं बाहर जा रहे हो। जी। अगर तुम इसे घर देर से लेकर आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, मैं इसे वक्त पर वापस ले आऊँगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बहुत अच्छा म्यूजिक है। वो! 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 मेरे साथ मजा आ रहा है या फिर इस बार में मजा आ रहा है? वाओ! देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर तो तुम कुछ किस्मत हो। उम्मीद है कि कल तुम थोड़ा इज्जत का मुजाहरा करोगी। बहरहाल आज रात तुमने अच्छा परफॉर्म किया है। शुक्रिया सर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्यों खुश हो, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अब मुझे अंदर जाना चाहिए, कल सुबह मेरा ऑडिशन भी है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से सोना और मुझे लगता है तुम बहुत कमाल हो। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं 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 कुछ भी नहीं कर रहा था, एक बात याद आई तो सोचा तुम्हें कान में कह दूं। मुझे नींद आ रही है, अब चल के सोना चाहिए, वैसे भी कल तुम्हारा ऑडिशन है। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। सुनो विक्टर। हाँ बोलो। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा तुम्हारे साथ। शुक्रिया। अब सो जाओ फेलिसी। ओह सॉरी, मैं डी मॉजिल कैमिल ली हॉट। Wretch! I want her put in prison! She stole my life! My honor and my name! I want it back! Too much. Okay. What is your name? My name is Felicie Lebrun. I come from an orphanage in Brittany. I didn't mean to hurt Camille. I just wanted to be at the opera and... I'm sorry. Madame. You traitor. You knew this. You stabbed me in the back.
You are sacked. Silence! All right. Like it or lump it, here is my deal. Miss Le'o, you may enter the Coryphée class starting tomorrow. And you will also be in the auditions for the part in the Nutcracker. But I want to be clear. If you sack Madame Odette, I will sack Camille. You made a terrible start to the classes. And you have lied and cheated to be here. But you have also shown great promise. And you've worked hard and shown your dedication. You must have a good teacher. तो तुम चाहो तो ऑडिशन के लिए रुक सकती हो. अगर तुम नटक्रैकर में किरदार लेने में कामयाब हो गई तो हमारा हिसाब किताब बराबर. अगर तुम किरदार पाने में नाकाम हो गई तो तुम्हें ओपरा छोड़ के जाना होगा. क्या आपको भी ये मंजूर है मोहतरमा? मंजूर है. तो ब्रिटनी की फेलिसी लिब्रा, तुम्हारा ओपरा का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है. अगर वो अच्छी डांसर हुई तो तुम्हें जीतना होगा. सुना तुमने कमील? मुझे बदला चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी. इसका झाड़ू लगाने का तरीका भी शानदार है. ये एक अच्छी डांसर थी, है ना? महज अच्छी डांसर नहीं बल्कि अपनी नस्ल की सबसे बेहतरीन डांसर. और फिर एक दिन स्टेज पर आग लग गई. ये किस लिए वैसे? हर चीज के लिए. हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. अब सवाल तुम्हारे मुस्तकबिल का है, जिसके रास्ते में सिर्फ एक शख्स खड़ा है, कैमिल. मैंने उसे देखा है. मैं जानती हूँ उसे. उसका डांस बहुत अच्छा है और जितनी वो दिखती है वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है. वो तेज है, वो माहिर है और हारना अपनी जिंदगी में उसने कभी नहीं सीखा. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोबारा ऊपर नीचे. अब मैं मजीद नहीं कर सकती. थकते सिर्फ हारने वाले हैं. दोबारा करो, मैं तुम्हें जितवा कर ही रहूंगी. अगर तुम उसी तरह का डांस सीख कर उसे हराना चाहो तो तुम हार जाओगी. कम खाने की वजह से तुम में बहुत कम ताकत है. तुम्हारा जिस्म मार्शमेलो की तरह बिल्कुल नर्म है. अगर ये बात सीधी तरह कहूँ तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है. अच्छा बोले थी आप. ये पता है उसको हराना कैसे है? तुम उसे हरा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जिसका वो सिर्फ ख्वाब देख सकती है, तुम्हारा जुनून. इस्तेमाल करो इसे. अपने गुस्से को महसूस करो, दर्द को, दुख को, अपनी खुशी को, इन सब चीजों को अपने डांस में शामिल कर दो. को महसूस करो. हर सुर, हर आवाज और हर वो धुन जो तुम्हारे जिस्म को हिला दे, तुम्हारे सर के बाल से लेकर तुम्हारे पांव के नाखून तक. इसी तरह, सिर्फ इसी तरह तुम कैमिल को हरा सकती हो. ठीक है, आज हमें छोड़कर जाने वाली हैं. तुम्हारा रास्ता यहाँ जुदा हो गया है नोरा. कौन सा रास्ता? ओह, निकल गई मैं. तुम अच्छी हो, इसे हरा देना. कमील और फिलिसी, कल सुबह 8 बजे हमें मालूम हो जाएगा कि तुम दोनों में से कौन क्लैरा का किरदार निभाएगी रोजिटा के साथ. मैं तुम दोनों को ये नसीहत करूंगा कि पूरी जान से डांस करना. तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी छोटी चूहिया, लेकिन कल सिर्फ मुझे ही चुना जाएगा. देखेंगे. तुम चाहे जितनी मर्जी मेहनत करो, चाहे तो दिन रात एक कर दो, लेकिन तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगी. मैं कुछ तो जरूर हूँ. वैसे कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं. उसने गलत कहा कैमिल, तुम अकेली नहीं हो. क्या?
तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए। आज रात मैं चाहता हूँ हम अपने प्यार का आगाज करें एक रोमांटिक सी पार्टी के साथ। मैं तुम्हें पेश करूंगा आईफिल टावर, आतिशबाजी, आज रात 7 बजे, ठीक है? मुझे ट्रेनिंग करनी है। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम मुनफरिद हो। फिर से कहो। आज रात। फेलिसी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। नहीं, विक्टर, मैं फाइनल ऑडिशन में पहुंच गई। वाव, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मेरे बॉस ने आखिरकार मुझसे बात की। उन्होंने कहा मेरे जूतों से दूर हो जाओ, तुम साइंसी कीड़े कहीं गए। ये काफी अच्छा था ना? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इसका क्या मतलब कि मेरी कोई हैसियत नहीं है? रूडी तो कमाल का है। रूडी फिर से? तो क्या अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है फेलिसी? नहीं, लेकिन बॉर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके ओके, तुम जीत गई। मैं तुम्हें उसके जितनी हैसियत दूंगा और तुम्हारा अच्छा दोस्त भी बन जाऊंगा। अच्छा सुनो, डिनर तुम और मैं, वहाँ छुरियाँ होंगी, कांटे होंगे, चम्मच होंगे। आज रात 7 बजे आईफिल टावर की दूसरी मंजिल पर आ जाना। क्या इसका मतलब हाँ था? हाँ हाँ ये था। बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये मेरे थे और अब ये तुम्हारे हैं। वाओ, शुक्रिया। ओके, बहुत बातें हो गई, अब खाना खाओ और सो जाओ, सुबह प्रैक्टिस भी करनी है। क्या हुआ? मैं रूडी के साथ बाहर जा रही हूँ। उसने कहा मैं तैयार हूँ और ये भी कि मैं मुनफरिद हूँ। तुम डांस क्यों करती हो? ये सवाल पूछना बंद कीजिए। जब मैं डांस करती थी तो ऑडिशन से एक रात पहले ट्रेनिंग करती थी और बाद में आराम करती थी। रूडी इंतजार कर रहा होगा। रुक जाओ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, चली जाओ फिर। नहीं, मेरी तरफ देखो। जानती हो ये नज़्म मैंने खुद लिखी है तुम्हारे एहसास में। वाओ, एक नज़्म मेरे लिए। उन परिंदों की तरफ देखो, वो उड़ते हैं आसमान में, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। पिपियू पियू पिपियू कुकू कुकू कुकू। अच्छी लगी? ये काफी अच्छा था। मैं जानता था, शुक्रिया। चलो आ जाओ सेनिटा, ऊपर चलते हैं सितारों के पास। ओके मेरे दोस्त, अब हमें प्रैक्टिस करनी होगी। म्यूजिक प्लीज, क्लासिकल। अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता। रुक जाओ, बस रुक जाओ। ऐसा करो कि अपनी मर्जी का म्यूजिक बजाओ, लेकिन वो रोमांटिक होना चाहिए, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाए, वो जब यहाँ पहुँचे तो मुस्कुराए। मैं उसकी तरफ संजीदगी से देखूंगा, फिर खामोशी से उसके पास जाकर उसे म्यूजिकल बॉक्स दूंगा और फिर वो कहेगी मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सच तो ये है कि वो मेरे लिए एक राज है, मगर मैं ये जानता हूँ कि वो नहीं आएगी। अरे मोटे बेवकूफ इंसान, मेरा यकीन करो वो जरूर आएगी। मुझे तो अभी से उसकी खुशबू आ रही है। ओ नहीं, भिखारी यहाँ भी आ गए। आजकल पेरिस भिखारियों से भरा हुआ है। बिल्कुल भी डरना मत, लेकिन चुप हो जाओ, मेरे साथ आओ। बिल्कुल भी घबराना मत, मैंने कोजेक डांस से बनने वाली एक फाइटिंग टेक्निक सीखी है जो बहुत खतरनाक है। बेवकूफ मत बनो। बस बहुत हो गया, रुक जाओ आप, ये मेरा दोस्त है। ओह, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, ये विक्टर है, हम एक साथ ही बड़े हुए हैं। ओह खुदाया, ये कितना मजाकिया है। दोस्त? हाँ, अगर हम दोस्त हैं तो तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही हो? मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल तुम हो रही हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है फेलिसी। ओह, तुम जेलस हो रहे हो। नहीं, तुमने जब से ओपरा जाना शुरू किया है तुम क्या बनने की कोशिश कर रही हो? जरा देखो खुद को,
इस बड़े बालों वाले बेवकूफ के साथ घूम रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो बस यहीं पर रुक जाओ, एक भी लफ्ज और मत बोलना वरना तुम्हें अपनी एक ही उंगली से हरा सकता हूँ मैं। लेकिन ऐसा करने से मेरी उंगली गंदी हो जाएगी और बदबू भी आएगी। मतलब कि मैं गंदा हूँ? लेकिन शुक्र है मैं सारा दिन इतने तंग कपड़े नहीं पहन के रखता। तुम दोनों कर क्या रहे हो? फेलिसी सिर्फ मेरी है। अच्छा, फेलिसी मेरी भी, वही अभी जो तुमने कहा था मेरी भी है। लगता है तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ही बेवकूफ हो। ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा जाना ही बेहतर है। ये तुमने बहुत ही घटिया हरकत की। नहीं, आज तो ऑडिशन है। हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा था। देखे चलो, बैले डांस करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। वो यतीम लेट हो गई है, मतलब कि मैं जीत गई। तो चूंकि फेलिसी ऑडिशन के लिए नहीं पहुंच पाई, इसलिए कमील रोजेटा के साथ क्लारा के तौर पर डांस करें। रुकिए, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे डांस करने दीजिए। वक्त खत्म हो गया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? बताइए इसे। बैठ जाओ। मैं माफी चाहती हूँ। क्या तुम सोई हो? ज्यादा नहीं। क्या तुमने कल प्रैक्टिस की? नहीं। लेकिन क्यों? ठीक है, म्यूजिक बजाओ। फिर से शुरू करो। ये गिर गई, मतलब कि ये हार गई है। फिर से शुरू करो। मेरी शर्त याद है ना कमील? नटक्रैकर में क्लारा के तौर पर तुम ही डांस करोगी। तुम्हें क्या लगा ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी छोटी चुहिया? मुझे जाने दे। नहीं। ओ नहीं। प्लीज प्लीज ओजेट। नहीं। फेलिसी, तुम इसे दोबारा अब कभी नहीं देख पाओगी और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे बताओ फेलिसी कहां पर है? मैं यहां हूं। ओह बहुत अच्छे।
अच्छी बात है। उसका जुनून दम तोड़ गया है। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना बेवकूफ। जानती हूँ, मुझे भी उसकी याद आती है। Talking to you, we got things to do, we got plans to make, and I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if our gaze is a winding bay, can you feel it? And if you can tell, I'm a restless girl. मैं भाग रही थी, बहुत ही बेवकूफाना हरकत थी और आपने मुझे पकड़ लिया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और अपने कमरे में वापस जाती हूँ। इस तरफ आओ जल्दी। हाँ क्या मैं आपकी मदद करूं? आपको मेरी जरूरत है, मैं ये कर सकती हूं क्योंकि मैं सफाई करने में माहिर हूं। बल्कि मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। अच्छा ठीक है, चलो। डांस स्कूल ने मुझे यहाँ एक कमरा दिया है, उसमें तुम्हारे लिए भी जगह होगी। काम कल सुबह 6 बजे शुरू होगा और 1 घंटा खाने का मिलेगा। सुबह 6 बजे?
मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। क्या तुम जानते हो वो वापस कब आएगा? प्लीज सोचने दो, शायद ओ, ओ, आओ। नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता। तो क्या तुम उसे कह दोगे कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने उसके साथ गलत किया, मैं बेवकूफ थी, ना समझ थी, पागल थी और बदतमीज भी। हाँ, बदतमीज भी। विक्टर से कहना वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा। ओ, 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 दरअसल ये मेरा एक और हाथ था, मेरे तीन हाथ हैं सच में। शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं, अब जाओ यहां से। बाय विक्टर। ये वो नहीं था, वो यहाँ पर नहीं है। विक्टर ने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। दिखने में तो वो बिल्कुल बेवकूफ लगता है। वो अब कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। वो करेगा। नहीं नहीं नहीं, जानती थी ये नहीं कर पाएगी। रुक जाओ, इस डांस में कोई असर नहीं। मिस लाहौट, आज रात आपने परफॉर्म करना है और इस परफॉर्मेंस में कोई जज्बात नहीं। मैं तो बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ जैसा आपने कहा था। सिर्फ स्टेप्स को कर लेना ही काफी नहीं होता, कोई गुस्सा तलाश करो या कोई मोहब्बत, कोई जज्बा, पर कुछ तो तलाश करो। उसमें जुनून की कमी है और आज रात ये सबको पता चल जाएगा। ओके, मैं जाकर सीढ़ियों की सफाई करती हूँ, तुम यहाँ का काम खत्म करो। ओके। छोड़ो इसे, वापस दो। ओह, कितनी पागल हूँ मैं, मुझे पहले ही इसे जोर से फेंकना चाहिए था। फिर से उस गलती को मत दोहराओ। अब भाग कहाँ रही हो? शर्मिंदा होने से डर लग रहा है क्या? मुझे नहीं लगता तुम तैयार हो, तुम्हारी तैयारी मेरे आगे कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी असल बैले डांसर कैसी होती है। क्या तुम्हें यकीन है इस बारे में? चुप हो जाओ, आज ये सारी सीट्स भरी होंगी, पूरा पेरिस मुझे देख रहा होगा, मुझे सराह रहा होगा। या शायद नहीं। मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूँ, तुम कुछ नहीं हो और तुम कभी भी कुछ नहीं बन सकती। ये पता चलाने का एक ही तरीका है, यहीं पर और इसी वक्त। तुम ये कर सकती हो। Thank you.
بہت خوب خواتین، لیکن میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کیوں ڈانس کرتے ہیں؟ میں ڈانس کرتی ہوں کیونکہ کیونکہ میری ماں مجھے کہتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہا ہے، اس وقت بھی جب میں اپنی ماں کی گود میں چھوٹی سی تھی، اور اب یہاں بھی ہے صرف آڈٹ کی وجہ سے۔ اس نے مجھے جینا سکھایا، اسی کی وجہ سے میں ہوں۔ اسے ڈانس کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑی ایمانداری دکھائی مس لاہو، اور بہادری بھی۔ آپ اوپرا کا مستقبل بن سکتی ہیں۔ فیلیسی، آج رات تم نٹ کریکر میں ڈانس کرو گی۔ اچھا ڈانس کرو۔ بہت خوب میرے بچوں، کیا بات ہے، بہت اچھا ڈانس کیا۔ اسے کہتے ہیں بیلے ڈانس۔ This movie is encoded by Mehter. ہو گیا، میں ان کا نام رکھوں گا کبوتر کے پر۔ واو، بہت خوب، لیکن مجھے نہیں لگتا میں اسے استعمال کروں گا۔ خطروں کا سامنا کرنا چاہیے میٹی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کام ضرور کریں گے۔ یہ تو یہاں پھر سے آ گئی۔ میٹی، کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ کب؟ میٹی جاؤ یہاں سے۔ اچھا، ابھی پھر ملیں گے۔ میں آج رات اوپرا میں ڈانس کروں گی، میں چاہتی ہوں تم بھی وہاں آؤ۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں فیلیسی، میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہتا ہوں اور دور ہو کر اداس ہو جاتا ہوں۔ بہت عجیب ہو تم۔ ڈر ڈر ڈر، تم اس کی مدد نہیں کر پاؤ گی۔ پہلے تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، پھر تم نے اس سے اس کی پہچان چھین لی، اور اب تم ہمارا مستقبل اور ہماری عزت چھیننا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بیٹی کو میرے خلاف کر دو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ رک جائے ماں، آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ رک جائے۔ آخری بار جب وہ اس طرح لیٹ ہوئی تھی تو انجام برا ہوا تھا۔ مجھے تم دو نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے۔ ایک بڑی اور ڈراؤنی سی عورت آئی تھی جو تمہاری دوست کا پیچھا کر رہی ہے، وہ اسے مارنا چاہتی ہے۔ کیا؟ اس کے خوف سے تو میری پینٹ گیلی ہو گئی ہے۔ وہ کبوتر کے پر۔ صرف یہی ایک تاج ہے جسے تم چھو سکتی ہو۔ تم اپنے پہلے شو کی رات کو ہی ایک حادثے کا شکار ہو جاؤ گی۔ تم میں اور اوڈیٹ میں ایک بات تو مشترک ہے، دونوں ہی اچھی ڈانسرز بننا چاہتی تھی۔ فیلیسی، میں آ رہا ہوں۔ نہیں،
आगे मत करो, मैं तुम्हें वक्त पर पहुंचा दूंगा। ऊपर चलो। नई जात करने से पहले तुम्हें अपने कबूतरों के परों में ब्रेक लगा लेनी चाहिए। तुम यह भी तो कह सकती थी कि मैंने कुछ बनाया है जो कि सच में काम करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह दो। विक्टर देखो, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे मोचित हो। शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो फिर डांस करो अपने अंदर से। तुम शर्त जीत गई हो, तुमने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल लिया है। चलो पेरिस को अपना जादू दिखाएं। सच में मेरी गर्लफ्रेंड है।